इस समय मैं हूँ DLW या कहें BLW गेट पर, और इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं और आज होलिका दहन की रात है, तो सोचा आप लोग को भी दिखाना बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं होलिका लगाई गई है और भीड़ भी यहाँ पर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको DLW गेट से गदौलिया चौराहे तक का व्यू दिखाऊँगा और बीच बीच में रास्ते में जो होलिका बनाई गई है उसको भी आपको दिखाऊँगा। होलिका दहन का जो मुहूर्त निकला है वो 12:57 का है और मैं हर एरिया तो कवर नहीं कर सकता था, इसलिए इस रूट पे जितनी भी होलिकाएं जल रही होंगी मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप सभी। इस समय मैं हूँ बनारस रेलवे स्टेशन वाले रोड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रास्ते में होलिका बनाई गई है और आप स्टेशन की तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में। रात के समय में यह स्टेशन जगमगा उठता है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर कितनी अच्छी लाइटिंग्स की गई हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं देखने में ये लाइट्स। इस समय मैं हूँ महमूदगंज वाले रोड पर और मेरे बगल में ये मरवाड़ी आरओबी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रास्ते के बीच में होलिका लगाई गई है। लेफ्ट रास्ता लेने पर आप सिगरा की तरफ पहुँच जाएंगे और राइट रास्ता ये रथ यात्रा की तरफ जाता है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे और हमें रथ यात्रा के रास्तों पर एक और होलिका दहन स्थान मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति भी लगाई गई है। दोस्तों, हम अब रथ यात्रा चौराहे पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यही रास्ता सीधे आपको लक्षा से होते हुए दशाश्वमेध घाट तक जाता है। मेरे राइट साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो CHS गर्ल्स स्कूल की है और आगे जो आने वाला एरिया है वो गुरुबाग पड़ता है। शाम के समय में यहाँ की दुकानें बहुत ही अच्छी नज़र आती हैं क्योंकि लाइटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं दुकानों पर और ये रोड एकदम खचाखच जाम से भरा रहता है। दोस्तों, हम लक्षा मार्केट पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इस समय भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और बगल में मेरे यहाँ का पुलिस चौकी भी है। इस समय यहाँ पर घूमने पर काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो रात का समय है और ऊपर से रास्ता भी खाली है, पर दिन के समय पर यहाँ पर इतना जाम लगता है कि पूछिए ही मत। दोस्तों, हम गिरजाघर चौराहे पर पहुँच चुके हैं, आप सामने चर्च देख सकते हैं और रात के 12:50 हो रहे हैं पर देखने में लग ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम गदौलिया चौराहे पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर जो लाइटिंग्स की गई हैं बिल्डिंग में कितनी अच्छी लग रही हैं। लेफ्ट वाला रास्ता आपको काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पे ले जाएगा, राइट वाला 80 घाट की तरफ जाएगा और ये सीधा दशाश्वमेध घाट की तरफ, और ये मेरे राइट साइड में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है 2 पहिया वाहनों की। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा देखिए कितना ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो लाइटिंग्स की गई हैं कितनी अच्छी लग रही हैं और रोड भी साफ़ है जिसके वजह से यहाँ की खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। और इस रास्ते को पिंक कॉरिडोर और गौरवपथ नाम से भी जाना जाता है। इस रास्ते पर भी एक गेट बनाया गया है जिससे आप काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी होलिका भी बनाई गई है। दोस्तों, 1 बज चुके थे
अब होलिका दहन का नज़ारा देखिए। मार्केट मार्केट सब चेक किया।